skill. They have not yet honed their craft. Big congratulations. Do we speak to you or the camera? Sir, to camera. To camera. Yeah. Sir, big congratulations. एक बात, दूसरी बात, second, more English, more Hindi. Both, sir. ये तो क्या होया नहीं, both मतलब क्या? Sir, कैसे भी आपको comfortable है. चलो ठीक, okay. वो English में बोलेंगे, मैं Hindi में. Sir, first of all, big congratulations. आपके web series के users और आए हैं, बहुत ही लोगों में बहुत ही response अच्छा मिल रहा है. सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कैसे कैसे response मिल रहा है, नहीं आप ओके रिस्पांस आपको रिस्पांस बहुत मिलता है मुझे कम मिलता है वेल एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड सब बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं ट्रेलर के बारे में सबको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है दे आर इंट्रीग टू नो कि आगे क्या होता है एंड द गुड थिंग इज कि ट्रेलर क्रिएटिंग दैट होल यू नो इंटरेस्टिंग पीपल जो दे आर थ्रिल्ड अबाउट इट एंड या दे आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट सब 8:20 का एंड सो आर वी नहीं जैसे इन्होंने कहा कि इंट्रीग एक थ्रिलर लगता है लेकिन सही मायने में ये स्पिरिचुअल थ्रिलर है और जो सेकंड ट्रेलर है आई थिंक उसके ज़रिए कुछ ज़्यादा बिकॉज पहले में ज़्यादा थ्रिल दिखा जो अर्जुन के साथ ज़्यादा था सेकंड में जो बाकी के कैरेक्टर्स आते हैं जो नीरज का कैरेक्टर है मेरा कैरेक्टर है तो कुछ लगता है कि नहीं कुछ अलग है कुछ ज़्यादा है इसमें कुछ तो एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है एंड आई थिंक सेकेंड ट्रेलर से इंट्रीग और बड़ा अभी इज जस्ट रिलीज सो यू नो वी डोंट येट नो कि कहाँ तक अभी वक्त लगता है एक दो तीन चार दिन लगेंगे बट आई एम श्योर कि ये एक मुझे इसमें अच्छी बात क्या लगी बताऊँ आपको सही मायने कई लोग सोचते थे कि वेब यानी कि सेक्स एंड वायलेंस में सेंसरशिप नहीं है तो आप यू कैन एक्सप्लॉइट दैट और उसी लिए लोग वेब पर आएंगे कि भाई अलग क्या हम फिल्मों में जो नहीं देख पाते हैं या टेलीविज़न पे नहीं देख पाते वो हम वेब पे देखेंगे ये कुछ लोगों की थिंकिंग थी तो शॉक वैल्यू के लिए द वेब कंटेंट बिकेम कि गाली होगा और वायलेंस होगा और सेक्सुअलिटी होगी इसमें नहीं विच इज़ व्हाट आई लव्ड इसमें प्योरली कॉन्सेप्ट है कि नहीं अगर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो शायद फिल्मों में उनको लगेगा पता नहीं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लग रहा है बट इट्स नॉट और इस कहानी को बोलने के लिए 3 घंटे काफ़ी नहीं थे तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एक फिल्म में समाया नहीं जा सकता तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होता है जहाँ पे ये वेब सीरीज शॉर्ट सीरीज़ का एक एक जोन जो एक खुला है तो आई थिंक बहुत सही जोन है और ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है जो प्रिया कुमार ने लिखी है उनकी किताब पर आधारित है ये कि आई विल गो विथ यू और इसको अडेप्ट किया है विजय ने एंड बहुत खूबसूरती से अडेप्ट किया है स्क्रीन प्ले को जिस तरह से लिखा गया है और ये कुछ हम जो I think five or six, six of us. I think there's Arjun, there's Sakshi, there's Anu, there's me, there's Neeraj, there's Paula, and Anshuman. So, ये हमारे main किरदार हैं. And वो thrill रखा है. ऐसा boring नहीं होता है. At the same time, the spiritual aspect of a journey के हम क्या खोज रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी और मौत, फ़र्क क्या है, इंसान के नज़रिया कैसे बदलता है जब उसे पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ. तो ये कुछ चीज़ें एक्सप्लोइट की गई है स्क्रिप्ट के जरिए आई थिंक बहुत आप बोले ये वेब सीरीज और फुल फीचर फिल्म की है सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिकॉज़ आपने अभी जैसे कहा कि वेब सीरीज एक अलग नजरिए से देखा जाता था बट ये एक मायने ही बदल देगा सो व्हाट डू यू लाइक टू से एनी डिफरेंस वेल सी एज अ क्राफ्ट तो सेम ही होता है वेदर यू आर एक्टिंग इन अ वेब सीरीज और यू आर एक्टिंग इन अ फिल्म और इन टेलीविजन और टीवी इन शॉर्ट फिल्म्स ऑलमोस्ट सेम ही है बट हां The only difference I find between a web series and film for me is that you can explore a character far more because आपके पास space ज़्यादा है time ज़्यादा है आप graph character का ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं जैसे हमारी जो web series है what I really love about it it's very balanced there are as we said that there are 4, 5, or 6 main characters and each of the characters you will get to know them properly you will get to know what they think what they are where are they from what is their journey and you will get to see how they are transforming through these couple of hours and the insecurities everything so you can bite into each of the characters far more which is more entertaining for the audience also and it's very wholesome an approach jo film mein kai baar for the lack of time nahi ho pata aajkal mere khayal se to web series jo abhi hum bana rahe hain jis scale pe bana rahe hain jo teams hain they are putting in as much hard work you know and as much prep time and the scale is also the same as a film so they are approaching it as
we shoot a film. So the quality of production is maybe the same or even better sometimes. Because इसमें कोई कमी नहीं इन्होंने रखी है कि जिस तरह से इसको production wise जो उसकी production value जिसको हम कहते हैं कोई फिल्म से कम नहीं है. जो जो हम अगर कोई अच्छी फिल्म बनाते उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है. इनफैक्ट यू नो जो ए ग्रेड की फिल्म होगी उस तरह की फिल्म की तरह इसको ट्रीट किया गया है और लंदन में शूट किया बाकी सब लोगों के साथ. और ये ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए अरे हाँ ये तो टीवी के लिए बनाया है और ये वेब के लिए बनाया है. नो इट इज़ लाइक एनी गुड फिल्म बीइंग मेड द प्रोडक्शन वैल्यू लैकिंग बिल्कुल नहीं है एंड आर्टिस्ट अच्छे लिए हैं यू नो एंड वी हैव यू नो अर्जुन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग guys we have in the industry. Anupriya is one of the best looking girls we have in the industry. So we have good looking people and then go we have, and we have some you know the acting ka level bada acha hai aur mere khayal se bahut achhi cheez bani hai and I'm yeah yeah also I feel ki jaisa aapne kaha tha jo difference hai ek mujhe lagta hai ki we can be more experimental with web series film mein abhi bhi kafi restraints ho jate hain in terms of the cast in terms of are nahi wo alag hota hai ye bikegi nahi bikegi distribution hai aapko aapke budget को लेकर और आप क्या उसका कॉम्बिनेशन है. फिल्म में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज थिएटर्स. जी यू डोंट गेट थिएटर्स यू नो कि भाई इतने ही थे. वी हैव 1.2 बिलियन की आबादी है हमारी जिसमें 12,000 स्क्रीन्स हैं जिसमें से साउथ की टेरिटरी मिला के तो कितने स्क्रीन बचते हैं मतलब कितनी फिल्में लगेंगी और कितने दिन के लिए मतलब एक वीकेंड पे चल रहा है सब वीकेंड का बिजनेस है. यहाँ पे ये फायदा होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ देख सकते हैं. आपको सिनेमा या स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है अपने घरों में टीवी पे आप कर दें फ़ोन पे देख लें. तो आई थिंक ये एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका इस मीडियम का इस माध्यम का कि आपकी जेब में है तो जितने करोड़ों लोग भी देखना चाहें आप बैठ के देखिए. वीकेंड वाली बात नहीं है ना. हाँ कीप वॉचिंग इट ऑल द टाइम एंड एनी टाइम एंड दे कैन पिक इट अप लाइक अगर वर्ड ऑफ माउथ विल आल्सो वर्क वेरी वेल मच बेटर देन फिल्म हियर बिकॉज़ देयर इज नो टाइम रिस्ट्रेंट इन दैट मैनर. ना इसको नॉर्मली क्या होता है बिंज वॉचिंग के लिए सारे एपिसोड एक साथ डाले जाते हैं. इसमें यह है कि 22 फरवरी को जो रिलीज़ होगा तो 4 एपिसोड होंगे और बाकी के 4 आई थिंक बिगिनिंग ऑफ मार्च में रिलीज़ किए जाएंगे. तो थोड़ा एक रखा है थोड़ा ऑडियंस तो वेट देयर एपेटाइट एक साथ मत दो. इस वी आर ट्राइंग टू कि 4 दीजिएंगे उसके बाद हम बाकी के 4 देंगे. सो सम पीपल एक साथ 8 डाल देते हैं एक साथ 10 डाल देते हैं और इसका इन्होंने पैटर्न ये रखा है कि 4 पहले आएंगे फिर थोड़ी देर बाद 4 बाकी. मैं आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी आपने तो उसमें वो गायब होने का कुछ चक्कर था तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट. मैंने कहा कि हाँ तो मैं कभी कभी वो कोशिश करता हूँ कि मेरे हैं फ्रॉम डलहौजी यू नो वो जो एरिया है उसके पास आगे जाके क्या नाम है उसका वो अपना द बुद्धिस्ट थिंग इज़ दे मैकलॉडगंज या हाँ डलहौजी के ऊपर जाके धर्मशाला तो वहाँ से तो वो हम गायब होने के एक उसमें एक्सपेरिमेंटिंग में या आई एम पार्ट ऑफ दैट तो मैं रखता हूँ कभी. देखो यार बेटर बी चूजी देन अ चूजा. सो यू नो आई मीन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम. Yeah, of course, I'm very thankful to both the movies. They put me on a platform and aaj, you know, because of those movies, people know of me. They are getting to know of my work. And it was just not my work, it was the whole project. Padmavat and Tiger Zinda, I have followed both the films quite a bit. They were both commercial films, but they were both very entertaining and extremely high on craft also in some sense, you know. And of course, Padmavat was a very different story. I got to work with Sanjay sir. And Tiger, it's Yashraj has become like a family. I really appreciate them for laying their faith in me. So. But तुम्हारा काम मुझे बड़ा अच्छा लगा था Tiger. Thank you. Yeah, you did a good job. Ali was very very supportive as a director. So both are great memories. And on top of it, they have given me a lot of mileage. From whatever I am today, it's thanks to them. And उसके बाद yeah, a lot of interesting work has been coming my way. I'm still looking for more scripts which are more experimental, which are still different from one another. I'm hoping ki
और तरह का काम भी आएगा जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग अलॉन्ग द वे. देर सो मच आई हैवन डन, सो मच आई नीड टू लर्न, सो मच आई नीड टू एक्सप्लोर अबाउट माई सेल्फ. आई फील एक्टिंग इज, हम लोग एक्टर्स इसलिए बनते हैं बिकॉज वी आर सर्चिंग आर सेल्फ समवेयर एंड इट एवरी न्यू रोल समवेयर टेल्स अस समथिंग अबाउट वन्स ओन सेल्फ, यू नो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट एक्टिंग. सो हाँ, एंड वेब सीरीज थैंकफुली बहुत ही एक उमदा मीडियम निकला है बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं हम एक्टर्स को. काफ़ी सारी अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. पूरी ही जो टेक्निकल टीम भी है दे आर ऑल्सो ऑन अ वेरी बिग हाई. सो या ओके सर, आप दोनों ही बहुत टाइम से अभी इंडस्ट्री में है, यू हैव डन डिफरेंट डिफरेंट रोल. सो अभी तक के कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला या करना हो आपको इन फ्यूचर? ड्रीम प्रोजेक्ट वो तो आते रहेंगे, यू गेट नाइटमेयर प्रोजेक्ट्स तो वो भी होता है, बट ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो हाँ मिले हैं. अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए और लाइक इन्होंने अभी कहा कि वो उसका अंत नहीं होता है एक्टर के लिए. अगर एक एक एक्टर है जो खोजते रहता है कि मैं अब नया क्या कर सकता हूँ, किस तरह से अपनी कला को पेश कर सकता हूँ या कुछ और बन सकता हूँ, तो वो तो अंत तक चलता रहेगा. और उसी की अगर एक 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 डेडिकेटेड एक्टर है तो वो अंत तक ये कोशिश में लगा रहेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ और अपने आप को किस तरह से बेहतर पेश कर सकता हूँ. तो आई थिंक मैं तो यही खोज में हूँ कि और क्या कर सकता हूँ, और बहुत कुछ करना है, मंजिलें और भी हैं, यू नो, या सितारों के. नथिंग दैट ही इज जस्ट पैराफ्रेज्ड इट ब्यूटीफुली बिकॉज़ एज एक्टर्स यू स्टिल जस्ट कीप वांटिंग टू डू एंड आई थिंक इट विल बी अ डेथ ऑफ एन एक्टर इफ दे फील अकम्प्लिश्ड एंड इफ दे फील कि हमने सब कुछ कर लिया. दैट देयर नेवर बी अ टाइम. इमेजिन हाउ मेनी काइंड ऑफ पीपल एंड पर्सनालिटीज आर देयर. एंड आई थिंक मेरा तो कोई जर्नी रहा ही नहीं है, बट ईच ऑफ अस हैव ओनली एक्सप्लोर्ड एन आयोटा व्हाट कैन बी एक्सप्लोर्ड, यू नो. तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम अब चालू हुआ है हमारे इंडस्ट्री में कि जहाँ काफ़ी कुछ बन रहा है एट द सेम टाइम एंड सब आपस में भी एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं. वी आर ऑल इन्जॉइंग द जर्नी टुगेदर. एंड आई थिंक आफ्टर जो मुझे पहले की हमारी मूवीज़ लगती थी 50s 60s की जो मैं अभी देखती हूँ, तो मुझे लगता था कि आह ये काम कब करने को मिलेगा. जैसे गुगले आज़म एक फिल्म है जो मतलब वो है, अमीना कुमारी के कितने सारे किरदार हैं, अस्मिता पाटिल के किरदार हैं, जो देख के लगता है कि कैसे काम किया होगा, कैसे शूट किया होगा, किस तरह की मूवीज़ बनी थी. एंड अब जो फिल्म्स बन रही हैं इधर में, आई सी द सेम एनर्जी इन एक्टर्स एंड दे आर ऑल वर्किंग एज अ टीम. एंड सो या आई थिंक लॉट कैन बी डन एंड लॉट विल बी डन इन का टाइम. ओके, जैसे अपार्ट फ्रॉम फाइनल आपके और एक जो प्रोजेक्ट है टोटल धमाल वो रिलीज होने वाली थी, बट साथ में रिलीज हो रही है ड्यू टू द अटैक. हमने सुना कि वो पोस्टपोन हो गई है जो कश्मीर में अटैक हुई थी. यार ये खबर तो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे तो नहीं पता. सो व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टपोन ऑफ द मूवी? देखिए यार, पोस्टपोन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ये खबर मुझे अभी मिली है, बिकॉज मैं कुछ काम में था तो मैं प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाया. बट किसी वजह से अगर पोस्टपोन हुई है तो कोई वजह होगी. और ऑब्वियसली ये जो माहौल बना है ये कंड्यूसिव नहीं होता कि लोग फिल्में देखें. कभी कभी एक गम, गुस्सा, बहुत सी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सी फीलिंग्स आ जाती हैं जो हिंदुस्तानी लोग हैं, और क्योंकि ये फिल्म हिंदुस्तान में लगने वाली है तो उन्हें लगता है कीपिंग दैट इन माइंड. मे बी आई डोंट नो, बट हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा डिले करके पोस्टपोन किया. ओके, फाइनली सर आपके फैंस को क्या कहना चाहिए 22 फरवरी को ये रिलीज होने जा रही है, द फाइनल कॉल? प्लीज वॉच इट, शो अ लॉट ऑफ लव. बहुत आई एम कन्विंसिंगली नहीं बोल रही हो तुम यार. प्लीज वॉच इट, प्लीज वॉच इट, इसको खूब एंजॉय करिए. हमने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, खूब दिल लगा के काम किया है, एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. हां, गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी विद अस. बिल्कुल, यस. देखिए ये इतना प्यारा चेहरा देखने को मिलेगा आपको 8 एपिसोड में इनके साथ. थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. ओके, थैंक यू, थैंक यू. Come on. First of all, big, big congratulations, sir. Your teaser has been given huge response from the audience. And thank you. Also, your debut in the web series. Yes. So, how excited are you or nervous?
Now, since the expectations gone up, nervousness also goes up. But I know we've made a good product. You know, we've really worked hard towards it. I think Z5 has pulled all stops, you know, and said, let's go for it. And the way they've marketed it, pushed it, this is a big show for them. It's a big show for me. And it's a very different story. It's a very different show. It's something which I don't think anybody's explored or has gone to in that direction. You know, if it's a thriller, it's a thriller which could be about a murder or this, but this is a psychological thriller. It talks about mental illnesses, it talks about, you know, spirituality, it talks about, you know, destiny. And and there are a lot of layers to every character. So yeah, I think I'm proud to that this show's got made. Okay, sir, you have played many various roles until now. You have played in the movies or now in the web series. So have you prepared for this role? Have you done any research on it? So when you play a pilot, you know, the first thing I think which I wanted to know was, I said, get me into a cockpit. I want to see what a cockpit is. I want to know what a cockpit is. So I did a lot of flight simulation classes where I went and flew, you know, taking off, landing, doing all of that. But in a simulation, don't worry, I didn't take a real plane and go around flying, okay? But you get a feel of that. You get to understand what the language is of a pilot, you know, what are the commands he uses, and how does he interact, you know, how lonely it is up there. Being a depressed character, I read a lot about depression. I read the book itself, you know, read a lot about depression. Spoke a lot with my director about how he sees it, and he saw it really beautifully. So half my job was done. Okay, you have, sir, you have done a full feature film, now a web series. So do you find any difference between both? I mean, the process is the same. The work is the same, you know. The craft is the same. But the format is different. So you have a lot more time with a web series to live that character, you know, and go through it. You don't have that much time to shoot it, but you have so much material that it gives you a lot to play with. But in a film, you have limited time to kind of tell what your story is and still, you know, make that impact. Okay, sir, you have started your career with a modeling, then actor, and also been a producer. So is there any aspiration to direct in future? Yeah, if I find a good story, I mean, I would like to direct. I'm not saying I would not like to direct. You know, I would like to explore all avenues of filmmaking, because I love filmmaking. I love films, you know. I love telling a story. So I would, but I don't know what that story is right now. So as of now, if you ask me, no. Okay, now as you are debuting in the web series, so is there any expectation, because it's your debut in the web series, so every artist have an expectation from their debut. Is there any expectation of yours? I think we've made the right noise. Now people are going to see it. And my expectation is that once you start it, you're not going to switch it off. You know that you're going to see it right till the end. Okay, lastly, two questions. There was a news, or you can also say a humor, that you are part of an 83 movie of starring Ranveer Singh. Is it true? No, that's not true. Okay. Lastly, finally, your web series being released in 22 fans. So what do you like to say to your fans? Any message you'd like to give? Well, I just like to tell everybody out there, I'm not just saying it because it's my web series. But the Z5 app that is there, I've worked with the whole team closely for the last 8 months. And what they are putting onto this platform is going to be some wonderful programming, you know, great content that is going to come to you. So it's well worth it to go and download the app, subscribe to it, and start with The Final Call. And there'll be lots more material that you can go and watch there. So please do it. And this is a very special show, and you shouldn't miss it. Thank you, sir. Pleasure. Thank you.